बुधवार को ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारी खान इनके नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान समाज ने अपनी कई समस्या गडकरी को सुनाई। इस बैठक में मेमन समाज और कुरैशी समाज के लोग शामिल हुए। नितिन गडकरी ने समाज के लोगों के विविध समस्याओं को सुना। साथ ही हज हाउस, मुस्लिम लाइब्रेरी, ताजाबाद दरगाह का सौंदर्यीकरण, अस्पताल समेत कई विकास कामों के बारे में भी जानकारी दी। इसी बीच मेमन समाज में गडकरी ने स्कूल के लिए जमीन देने की मांग की है। इसमें कई परिवार गरीब और मध्यम वर्गीय है, ऐसे में यह परिवार शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, लिहाजा पुराना कामटी रोड पर स्कूल की जमीन देने की मांग की है। इस प्रस्ताव पर गडकरी ने सकारात्मक रुख करते हुए CBSE स्टैंडर्ड के लिए जमीन देने का आश्वासन दिया है। मैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी, अध्यक्ष कुरैशी समाज नागपुर, नागपुर डिस्ट्रिक्ट नागपुर कामटी। आज हमारी गडकरी साहब से एक फॉर्मल मीटिंग थी समाज को लेकर, और हमने गडकरी साहब ने एक बात बहुत अच्छी करी कि मुस्लिम समाज चाहे मुझे वोट दे या ना दे, लेकिन मैं उसका काम करता हूं और करता रहूंगा। उसी तरीके से हमने आज गडकरी साहब को ये आश्वासन दिलाया कि आप इतने अच्छे शख्स हैं, पार्टी को छोड़िए, एक शख्सियत होती है, उसका वजूद होता है, उसकी अहमियत होती है, उसकी कीमत होती है। तो गडकरी साहब को हमने यही बात बोला कि चाहे आप हमारा काम करो या ना करो, लेकिन समाज आपके पीछे है, रहेगा, आज है, कल भी था और आगे भी रहेगा। समाज के लोगों में गडकरी साहब की एक बहुत ही अच्छी, बोले थे कि अच्छे इंसान की एक अच्छी शख्सियत की छवि है कि वो इंसान है, पार्टी को दरकिनार रख के, बाकी धर्म और जाति को दरकिनार रख के वो इंसानियत की को समझता है, इंसानियत की पूजा करता है और इंसानियत की मदद करता है। बस यही दो शब्द कह के मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। देखिए, गडकरी साहब से तो हम लोग जो मिलने आए थे उनको ये आश्वासन देने आए थे कि साहब आप 5 लाख वोटों की लीड की बात कर रहे हैं, आप 5 लाख से कहीं ज़्यादा लीड कर रहे हैं, हो सकता आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। हम ये आश्वासन देने आए थे, कोई हमारा ये नहीं करने आए थे कि भाई आप हमारे ये काम करके दो या वो काम करके दो। हमने वोट दिया या ना दिया, वो उन्होंने हमारा काम करके दिया है। आज नागपुर में कुरैशी समाज का जो महत्व है या जो हमारी पहचान जिंदा है, वो गडकरी जी की वजह से है। गडकरी जी ने नागपुर में, नागपुर बांडेवाड़ी स्लॉटर हाउस की जो इब्तदा है वो गडकरी जी की कराई हुई है। हर मुमकिन कोशिश करे उन्होंने किस किस तरीके से, कुरैशी समाज तो एक अकेला समाज है, दूसरे और कई समाजों को साथ में लेके चलते हैं, और मुस्लिम समाज हमारे थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि पूरी तरीके से गडकरी जी के साथ खड़ा है। देखिए, मेरा जो समाज बहुत ज़्यादा जो तकलीफ में था, कुरैशी समाज तकलीफ में था, उसके बाद मेमन समाज, तो हर किसी को क्या सिर्फ विकास चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो उनका विकास, और वो एक विकास वाले पुरुष के पास, यानी कि जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, श्री नितिन गडकरी जी के पास आए थे और उनसे बहुत अच्छा खुल के चर्चा हुआ। यानी ऐसा कोई ये नहीं था उसमें कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा, बहुत अच्छी चर्चा हुई और समाज के विषय पे चर्चा हुई कि हमारे बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चों ने कब तक ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, कब तक यानी कि चाय की टपरी चलाना चाहिए, पान के ठेले, तो ये बहुत सारे विषय पर चर्चा। और कुरैशी समाज और मेमन समाज ने गडकरी साहब को आश्वस्त किया है कि इस बार हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और मुस्लिम समाज पूरा दमखम से आपके साथ लगा है और इस बार इतिहास रचने जा रहा है मुस्लिम समाज। गडकरी साहब देखिए, वो चाहते हैं कि देश में एजुकेशन में मुस्लिम मेन दायरे में आए, तो उनका कभी भी ये रहता है, उन्होंने उनको बोला कि एक बड़ा स्कूल खोलिए, एक बड़ा हॉस्पिटल खोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ आपको जगह चाहिए स्कूल के लिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। 14 तारीख की रैली में एक मुसलमान समाज एक अलग इतिहास रचने वाला है, जिसमें हमारे साथ कुरैशी बरादरी के लोग काफ़ी सारे हैं, मेमन जमात के लोग हैं, उसके बाद अंसारी जमात के लोग हैं और खादिम जमात के लोग हैं, ऐसे तरह तरह के मुस्लिम सारे जितने भी यानी मुस्लिम इदारे हैं सब एकजुट होकर ये हम 14 तारीख को साहब के लिए रैली निकालने जा रहे हैं। सब इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इसमें किसी भी कोई भी लीडर नहीं होगा। ये देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से तकरीबन 1000 लोगों की रैली रहेगी ये, और ये जैसा कि ताजबाग हो गया, टेका हो गया, मोमिनपुरा हो गया, उसके बाद जाफरनगर हो गया, मानकापुर हो गया, उसके बाद गड्डी गोदाम हो गया, उसके बाद तुम्हारा इधर पारडी हो गया, तो सभी तरह के हसनबाग हो गया, सब जगह के मुस्लिम इस बार इन्होंने मन बनाया है और इनको मैसेज देना है, जो हमारे वोट 70 साल से जो समझते आ रहे कि हमारे वोट का वैल्यू नहीं है, उनको मुस्लिम समाज ने इस बार एक मैसेज देने का मन बना लिया है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं करते तो हम आपके साथ नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ
अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।